ऐसे नहीं होता है मम्मी, मैंने बस पूछा ही तो, इसमें कुछ गलत कोई हो गया। क्या है? खा ले Hello guys, welcome back to another vlog. This is me, Rifa Khan. Hope you all are doing good and doing great in your life. And आज मैं आपके पास आ चुकी हूँ एक नए vlog के साथ. And आज का vlog बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है. मतलब मैंने ऐसे पहले किया है, अगर आपने मेरे पहले के prank videos नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए. And आज मैं करने वाली हूँ prank अपनी मम्मा के साथ, क्योंकि मैं घर पे थी बहुत दिनों से एंड मुझे लगा यार कुछ कंटेंट शूट करने को नहीं मिल रहा, तो आज क्यों ना मैं मम्मी के साथ prank करूँ. एंड वैसे आपको thumbnail में पता लग गया होगा कि prank होने क्या वाला है, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ कि आज मैं मम्मा को ऐसे ही बस झूठ झूठ बोलने वाली हूँ कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ साकेत में ऑन रेंट. एंड मैं मम्मा का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो मतलब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे. सो मैं अपना कैमरा ऊपर छुपा दूँगी, मम्मा ऊपर ही हैं, कुछ काम कर रही हैं. एंड मैं आपको ऊपर मिलती हूँ कि, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ मुझे 100K सब्सक्राइब करवा दीजिए जल्द से जल्द. एंड ये व्लॉग को एंड तक जरूर देखना. ओके, आई विल सी यू इन अ बिट. सो गाइज, मम्मा ऊपर बैठी हुई हैं और अपना सूट वगैरह कुछ काम कर रही हैं. एंड मैं जल्दी से जल्दी जाके अपना कैमरा सेट करती हूँ और आप लोगों को आगे मिलती हूँ. बने रहिएगा व्लॉग में. ओके, मैं बहुत, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पिटके रहूँगी मम्मा से. मम्मी, मुझे तुमसे एक बात करनी है. क्या है बात है? डांटोगे तो नहीं? बस कुछ भी बोलती रहती है. क्यों डांटोगी मेरा मतलब? और पापा को मत बताना भी. ऐसी क्या बात हो गई? पापा को मत. ये क्या बना रही हो? सूट है, सूट काट रही हूँ. अच्छा, सर्दी का. ये कौन सा सूट है? सर्दी का सूट है. तू अपने किसने दिया? किसने दिया क्या मतलब है? तू अपनी बात कर. क्या बात करने थी? कुछ भी बोलती रहती है बस. मुझे ना, मुझे अकेले रहना अब साकेत में. अरे क्या है, दिख नहीं रहा? मैं कटिंग कर रही हूँ. हाँ बोल. मैं बोल रही हूँ मुझे साकेत में रहना है रेंट पे. मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मुझे डांस के लिए जगह चाहिए और यहाँ घर पे हो भी नहीं पाता. घर तो लेती है, जगह नहीं मिलती मुझे अपने लिए. कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही होते रहो. तो क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है ना, कभी कोई आता है कभी कोई आता है. इससे अच्छा अपना स्पेस होगा तो आराम से वहां पे कर तो पाऊंगी, कोई परेशानी नहीं करेगा. बस ये फालतू की बकवास है. बकवास नहीं कर रही मम्मी, मैंने बोला है तुम्हें डांस के लिए इतना टाइम हो गया, अपनी जगह ही नहीं. अभी बोल रही थी तुम घर बन जाएगा तब एक कमरा ले लियो, अभी एक कमरा भी नहीं है. अभी ऊपर भी तुम ही, नीचे भी तुम ही, हर जगह तुम ही, मुझे जगह ही नहीं दे रखी. अरे तो मैं तो ऊपर हूँ, तो नीचे कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? बिना मतलब कि कुछ भी बोलते हैं, मतलब एक सिर्फ डांस के लिए कहाँ जाना है? साकेत में. साकेत में क्या ऐसा क्या है? अरे मतलब वहाँ पे सब कुछ होता है ना, वहाँ से ही आसपास सब पड़ जाता है, कहीं जाना हो स्टूडियो वगैरह ये वो. तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना, घर में तो सब चीजें मिल नहीं जाती. और मैंने बात भी कर ली रेंट वगैरह ब्रोकर वगैरह से सब. अच्छा, इतनी होने लगी तेरी कमाई है? अरे मतलब बात करिए ना पहले, फिर तो बाद में देखा जाएगा जो होगा. मतलब जो ये तो कोई बात नहीं, फालतू की बात. बस बात कर ली कि हाँ मुझे पता लग जाएगा इतना लगेगा इतना नहीं लगेगा. बस एक ही चीज होती है ना, खाली बात कर ली, सिर्फ रेंट हो गया और तो कुछ होता ही नहीं है. बस एक ही चीज होती है. तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तुझे क्या दिक्कत है? मेरी छोड़, तुझे क्या दिक्कत है? बिना मतलब के बोल रही है कुछ भी. इतना टाइम हो गया घर बनने से पहले, एक साल हो गया मुझे. मैं बोलती हूँ मुझे अपनी जगह चाहिए, स्टूडियो भी नहीं है. इससे अच्छा एक जगह पे रहूंगी, वहाँ पे स्टूडियो भी खोल लूंगी और वहीं पे रह लूंगी. तो कोई स्टूडियो ले लो ना. तो स्टूडियो क्या लूँ, अलग से क्यों लूँ? अब रहने का भी हो जाएगा वहीं पे फिर. फालतू की बात नहीं है, ऐसे नहीं होता. इतने ज्यादा वो नहीं है हम लोग, ठीक है? इतने ज्यादा वो की क्या बात होती है? ऐसा नहीं होता. मुझे काट लेना ये सेंटेंस, गलत हो गया ना फिर बता दूंगी तुझे.
यहाँ पे कभी कोई शोर मचाता रहता है, कभी कोई वीडियो बनाओ, तो हर जगह ही होगा ना। तो ऐसा नहीं होता फ्लैट में, नहीं होता ऐसा, नहीं बड़े बड़े फ्लैट में नहीं होता, वहाँ पे आवाजें इतनी नहीं आती। जो यहाँ पे पानी ले लो पानी ले लो, कभी कुछ व्लॉग बनाते रहते, दिक्कत होती रहती है, बस दिमाग खराब। दिक्कत तो हर जगह होती है, एक सोच की बात है, ऐसे नहीं होती। तुम कभी बुलाते रहते हो, कभी कोई बुलाता रहता है, बस दिमाग खराब। तो अपना अकेले रहूंगी, कोई बुलाएगा ही नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से काम करूंगी, कुछ भी करूंगी। ऐसे ही बोल रहे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ही होता है। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स अकेले रहने लगी, उनका तो वो पास पास में रह के भी अकेले रहने लगी। कौन पास पास में रह? बहुत सारी है, साकेत में ही रहती हैं अकेली, अपने मम्मी पापा के अलग से, और उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। भाई वो ज़्यादा मॉडर्न है, इसमें मॉडर्न की क्या बात हो गई? अकेले रहने को तो बोल रही हूँ, पैसे आ रहे हैं तो ठीक है ना, घर में कर दिया। तो बात तो है ना, अपनी जगह नहीं मिल रही, अपनी जगह चाहिए। जगह तो है ना, नहीं है जगह, नहीं है जगह, मतलब की मत बोल। हद्दी होती है बिल्कुल, जगह नहीं मिल रही। कैसी होती है जगह? जहाँ कोई बुलाता नहीं है और अपनी जगह होती है, आराम से रहो, बस सुकून से। जंग की फिल्म देखी है ना अभी आई? मैंने नहीं देखी। नहीं देख लियो, उसमें पहले इंसान बाहर जाने के लिए कोशिशें करता है, पता नहीं क्या करता है, और उसके बाद उसको अपने वतन में आना होता है, अपने लोगों से मिलने आना होता है, मरते टाइम या आखिरी टाइम, फिर उसको अपने अपने लोग याद आते हैं। देख लियो पहले इस फिल्म को। बट मुझे नहीं आएंगे, मुझसे कुछ नहीं होता, फालतू मत कर, चले दफा, मुझे अपना काम करना। मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम मैंने पैकिंग वैकिंग भी शुरू कर दिया है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बस मुझे तुम्हें बताना था कि ऐसा ऐसा सीन है। मैं तेरे पापा को क्यों नहीं बताऊंगी? नहीं मत बताओ अभी, नहीं मैं पापा को खुद बताऊंगी। नहीं बताओगी अभी? क्यों नहीं बताऊंगी? मैं बताऊंगी खुद से, मैं उनसे पूछ लूंगी, वो मना नहीं करेंगे। तुम मना कर रहे हो? नहीं नहीं करोगे, पता होना चाहिए ना। तो मैं बता दूंगी ना, तुम क्यों बताओगी? मैं बता दूंगी ना, तो बता दे मुझसे पहले, बता दे, मैं तो बताऊंगी अभी। अभी नहीं बताओ, थोड़ी होता है वो, तो फिर मुझे ही बोलेंगे ना। वो है ना कुछ काम तो वहां पे भी करना पड़ेगा, कोई तुम इतना तो कर नहीं रही होगी, तुम मेड भी रख लोगी, इसमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं। तो मेड की क्या बात है इसमें, वो तो खुद ही कर ले, तो क्या हो गया, कर लेंगे। हां उसमें क्या दिक्कत है, कैसे कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो तुम बता दोगी, कर लूंगी, उसमें क्या है। क्यों बताऊं फिर? बता दोगी? नहीं फिर तुम्हें जरूरत क्या है फिर? ठीक है बस खाना दे दो। कोई खाना वाना नहीं, यही समझ लो कि मैं अभी से रह रही हूँ। अरे नहीं, अब यही सोच लो भाई, जब तुमने बात करी है तो तुम यही सोच लो, या खुद बना लो, लाओ मुझे भी खिलाओ, ला के चलो बना लो खुद जाके खाना दे। तो अभी तो तुम हो ना, क्यों हूँ मैं? फिर यही सोचो ना कि मैं रेंट पर ही चली गई, सपोज करो एक आध दिन रह के देखो इस तरह से कि तुम रेंट पे रह रही हो, सिर्फ एक ही चीज थोड़ी होती है, चाय तक के तो कर ली, मम्मी चाय दे दो सुबह भी, गर्म करके भी दे दो, गर्म भी नहीं होती, तुम होगी रेंट पे। नहीं जा रही हूँ मैं, आ जाना तुम जल्दी, मैं तो उन्हें कॉल कर दूंगी, वरना क्यों कर दे, बस बता दिया पहले। गाइज अभी मैंने मम्मा को थोड़ा सा ही बोला है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगे तो वो मुझे कभी अभी सही ना मारने लगे। अभी थोड़ा नीचे वीचे जाके थोड़ा खाना वाना खाती हूँ, एंड उसके बाद दोबारा से मम्मा से ही वाली बात कहूँगी, एंड फिर मैं देखूँगी मम्मा का कैसा रिएक्शन होगा। मम्मी तो अभी सोच रही होंगी मैं ऐसे ही मजाक करूँ, बट लेट्स सी क्या होगा आगे। सो गाइज अपने मैं कपड़े वपड़े बदल चुकी हूँ, क्योंकि शाम का वक्त होने ही वाला है और मेरी क्लास है आज। सो या, और अभी मम्मी खाना वाना बनाने में लगी हुई हैं, और जब मम्मी खाना बना के आ जाएंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मम्मा को बोलूंगी पहले तुम मुझे हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, एंड लेट्स सी मम्मा मुझे क्या बोलती है फिर। यस, सो गाइस मम्मा अभी किचन में है, एंड मैं दोबारा से मम्मी से सेम बात करने जा रही हूँ कि फ़ोन में नीचे रख दूँगी। मम्मी तुमने मुझे कुछ बोला ही नहीं, मैंने तुमसे पूछा था, तुम फालतू दिमाग क्यों खराब कर रही है? क्या फालतू दिमाग खराब कर रही हूँ? फालतू दिमाग खराब कर रही है, इसकी बात का कुछ बोल रही तो है बस, कि मैंने जब तुम्हें बताया था पहले भी कि मुझे जगह नहीं मिलती, अब मैं फिर तुम बोलते हो कुछ करते नहीं कुछ करते नहीं, तुम करने नहीं देते मुझे, जय चाहिए क्या जगह, जगह नहीं मिलती इतनी सारी, तो जगह नहीं है जगह घर में, मुझे अकेले रहना है। तो ये बोलना अकेले रहना है, स्पेस चाहिए, स्पेस क्या स्पेस होता है,
जब इंसान का जो स्पेस होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, वो इंसान को वक्त बताता है। समझ में नहीं आती ना चीजें कहने से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बिना मतलब की फालतू में दिमाग खराब कर रही हो? क्या फालतू में कर रही हूँ? मतलब कुछ काम करती नहीं हूँ, ऊपर से काम करने भी नहीं चाहोगी नहीं अब यहाँ से। क्या है बस जान रही तो है, ऐसा कौन सी बात है, वहीं पर रह जाऊंगी मैं, अभी करूंगा ना फिर। अभी जा तू, तू अभी जा, अभी निकल यहाँ से। तब तक की वेट क्यों करूँ मैं कि तब तक का आज जा और अभी जा, निकल जा रहा है अभी से, अभी जा इसी एट ए टाइम, अभी जा निकल यहाँ से, निकल जा बिल्कुल। क्या है तो नहीं तो अभी जा, जवाब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता है मम्मी, मैंने बस पूछा ही तो, इसमें कुछ गलत कोई हो गया? अभी ऐसे ही कोई निकल जाता है, पहले तो पूछते हैं ना फिर। अभी मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, ठीक है? बने रहिएगा ब्लॉग में प्लीज। ले पकड़ खाना खा ले। मैं नहीं खा रही। अरे ये क्या बदतमीजी है, मुझे नहीं खाना खाना। खाने की क्या गलती है इसमें? खाने की गलती क्या बात है, जब तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे तो मुझे खाना नहीं खाना। मुझे दिमाग खराब, दिमाग को ना सही कर ले, दिमाग खराब मत कर ज्यादा। नहीं मुझे नहीं खाना, ले जाओ थप्पड़ लग जाएगा जाल बनेगी तो। एक तो मैं तो गुस्सा हूँ, उल्टा ऊपर से उल्टा चौड़ बहुत बार को डांटे, बिना मतलब की बात। खाने से क्या बात है, बात तो होती रही खाना खा, और जाने तो अभी क्यों निकल रही, अभी निकल, बैठी क्यों ऐसे के अंदर, ये क्या बात होती है, अभी निकल। यही बात है, अभी निकल ना, फिर मुझे बात में नहीं जाएगी। मैं बस कह दूंगी, मेरे पापा की भी नहीं कह रही, मैं इसी वक्त जा। मैंने तो पूछा है बस, पूछने की क्या खाना होती है ना, दे तो दिया कि अभी जाने तो वरना नहीं जाएगी, सीधी सी बात है, हदी होती है बिल्कुल, समझ नहीं आती। करके तो सब कुछ करके तो, और उसके बाद इनके इनकी बातें सुनो, अलग रहने रह के तो देख लेते ना, अलग अकेले रहते सब नहीं रहते क्या? उन बच्चों से पूछो ना, फिर अलग रहते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी दिक्कतें होती है, फिर उन्हीं बच्चों को रियलाइज होती है दिक्कत, लेकिन फिर वो एडजस्ट कर लेता है, सब मैनेज हो जाता है। एडजस्ट कर लो ना फिर, तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं मिल रही मुझे, उसकी वजह एडजस्ट कर लो। मतलब अल्लाह ने इतना नाशुकरी करना पता है कितना बड़ा गुनाह है? नाशुकरी नहीं है बस, मुझे मेरी जगह, ये वाला कमरा चाहिए था मुझे, तुमने वाला कमरा नहीं दिया। अब सर्दी है, ठंड में पता है कि जो चीजें नहीं है ऊपर, तो फिर क्या करें, हवा ज्यादा लगती है ऊपर, एक आध महीने का वेट कर ले। तो दिन इतना छोटा होता है, ऊपर उनको करके दो, सब कुछ करो, खाना है खा, नहीं खाना मत खा, तुम खा लो, नखरे नहीं खत्म होते, पता नहीं किस तरह के बंदे हैं, नदी होती है नखरों की। तो भूख लग रही है, हम तो खा रहे हैं। मुझसे बात ही मत कर, अब तू बात करने की क्या बात है, अब तू मुझसे बात मत कर, जो बात करने ने पापा से कर, तो पापा से तो बात करूंगी ना। हाँ तो ठीक है ना, उनसे ही करियो, मुझसे बात, मगर पहले मैं तुमसे पूछ रही थी, मुझे लगा तुम तो हाँ बोल दोगी। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, खा ले ठंडे हो जाएंगे, खा ले खाना। मैं नहीं खा रही ना, खा ले रही, मैं नहीं खा रही मम्मी, मैं नहीं खा रही, रख दो। इतना प्यार से बोलोगे तो खा लो। नहीं ब्रांड क्या है, भूख लग रही है, भूख तो पहले तुम हाँ भी नहीं बोल सकती थी, हाँ ही तो बोलना है बस, फिर पापा से बात करना, बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, गंदी हो तुम,
कोई बात नहीं, मैं गंदी ठीक हूँ, अच्छा नहीं बनना। मम्मी हाँ, सो क्यों रही हो? अरे तुम बता क्यों नहीं रही हो? मुझे आगे बोलना है ना उन लोगों को। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल दिमाग खराब हो गया? सुबह से ये दोपहर से ये टाइम हो गया, तुझे बोलते बोलते समझ में नहीं आ रही बात। तो क्या समझ नहीं आ रही? पूछा ही तो मैंने, बस बोल दो कि चली जा, फिर मैं अपना पैकिंग शुरू कर दूंगा, फिर चली जाऊंगा। तो अभी जाना, फिर अभी क्यों जाना? अभी तो नहीं हो सकता ना एकदम से, ऐसे जा, ये सच नहीं होता। आपने फालतू में बात ऐसे नहीं होता ना। अभी फोन करोगे पापा को? पापा को मैं बता दूंगी, तुम नहीं बताओगी? मैं बता दूंगी खुद ही, तुम क्यों बताओगी? अगर तुझे उन्हें बता रही है तो मैं तो मना ही कर रही हूँ, मेरी तरफ से तो ना ही है, सीधी सी बात है। क्यों है ना, क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती? मैं तो फिर वही बात होती है, बच्चों को बड़ा करो, सब कुछ करो, और बस ऐसे बिना मतलब की कोई तो शादी के बाद जाते तो पहले चल दे। तो जाने की क्या बात है, इसे बस मैं वही अपने काम की वजह से तो लोग जाते नहीं है। लोग इतने सारे डांसर अलग अलग जगह पे रहते हैं, कोई मुंबई रहता है, कोई कहाँ रहता है, अपनी फैमिली से दूर, उनके फैमिली भी तो उन्हें भेज देती है। पता नहीं तो किया ही क्या प्रोफेशन चूज है तूने डांस का, ऊपर से तेरे को जाना है भी अलग है। क्या प्रोफेशन चूज किया है, कुछ भी बोलती हो। कैसे बच्चे होते हैं, कुछ वो ही नहीं होता, उन्हें पेरेंट्स का तो कुछ ख्याल ही नहीं होता बिल्कुल भी। बस कर दो, बड़ा कर दो, बस उसके बाद उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें अलग रहना है। तो काम के लिए तो बोल रहे हो ना, मेरी क्या गलती है? जब मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देखो इतनी आवाज आती रहती है, पानी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, दिमाग खराब कर देते बार 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 बार। कहीं ना इतना काम हो रहा था कि काम की वजह से, काम की वजह से पता चल जाएगा एक दिन में, बोलने के साथ होता है, कहते हैं ना आते जाते हो मालूम हो जाता है, जाते हो मालूम। ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझसे बात मत करना, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, जा जा, मैं जा रही हूँ। और तुम और घुमा देखो, क्या देखो, क्या देखो, ऐसा प्रैंक कर रहे हो? अरे हेलो, बोलो कहाँ पे बोल रहे हो? हेलो बोलो, हेलो बोल रहे हैं, हेलो बोल रही है, आपकी वजह से मैंने अपनी मम्मी से आज इतनी मार खाई है। मेरी मम्मी मुझे मारती है, लेकिन आज इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे 100K सब्सक्राइब करवाने पड़ेंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मतलब आज का ये जो प्रैंक था, और मुझे ये तो बहुत मज़ा आया आज, और मैंने मम्मी के साथ आज पहली बार प्रैंक किया, और मैं कुछ नया भी नहीं बताऊंगी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये प्रैंक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे 100K जल्द से जल्द करवा दीजिए। एंड और ऐसे ही प्रैंक वीडियोस मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी, अपने घर का, अपनी बहनों का, जिसका भी जो भी। ऐसा नहीं है, हमेशा यही करती रहोगी क्या? दिमाग खराब करके रखा है फालतू में। प्रैंक तो घर में करने का क्या मतलब है? प्रैंक करो बाहर, किससे करूँ फिर? तुमसे ही तो करूंगी, घर वालों से ही तो करूंगी। अब मैं घर में बैठी थी तो मुझे लगा कि प्रैंक करना चाहिए आज मम्मी के साथ, तो मैंने कर लिया। तो मम्मी पापा के साथ अच्छा ये बोल दो कि गाइस मेरे 100K करवा दो, बोल दो 100K सब्सक्राइब करवा दो, बोलो 100K। ऐसा कभी मत करना। नहीं ये बोलो, नहीं 100K सब्सक्राइबर्स बोलो, क्या 100K सब्सक्राइबर्स करवा दो मेरी बेटी के, बोलो सब गाइस। बोला इसके जल्द से जल्द 100K सब्सक्राइबर करा दो, ताकि ये इस तरह के आलतू फालतू हरकतें ना करे, ताकि मैं और ज्यादा करूं। बाय 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 कर दो, बाय।